सो है गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के बारे में, सेशन 2022। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज यानी 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है, प्रेफरेंसेस सबमिट करने हैं एंड काउंसलिंग फ़ी भी आपको सबमिट करना है इसी टाइम गैप में। सो आज से आप ये काम कर सकते हो। लिंक जो हैं वो भी यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी हैं जेके बोपी की तरफ से, तो यहाँ पर आप यहाँ पर डेली अलर्ट्स में भी देख सकते हो। लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज इज़ अवेलेबल अंडर ऑनलाइन काउंसलिंग हेडिंग अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ होम पेज। सो यहाँ पर जो लिंक है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो सबसे पहले आपको जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, jkbopi.gov.in। उसके बाद जब आप नीचे जाओगे तो नोटिफिकेशंस के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जो आपको यहाँ पर मिलेगा ऑनलाइन काउंसलिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन काउंसलिंग का ऑप्शन यहाँ पर है। सो इसके नीचे आपको चले जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो सबसे नीचे आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग स्लैश पैरामेडिकल स्लैश टेक्नोलॉजी, क्लिक हियर टू अप्लाई टू रजिस्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सो ये लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये लिंक डायरेक्टली आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वो जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाओगे। तो इस पे मैंने वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड किया था कि आपको साइन अप कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसी करनी है, साइन अप फॉर्म आपको कैसे भरना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो काउंसलिंग फॉर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्चुअल फिलिंग अब आप प्रेफरेंस फॉर्म्स जो आपको प्रेफरेंस सबमिट करने हैं कॉलेजेस के लिए एंड कोर्सेज के लिए 30 से लेकर 5 अक्टूबर तक। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो जो काउंसलिंग फ़ी है वो भी आपको इस टाइम गैप में यहाँ पर भरना है। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं आपको कैसे ये करना है। तो यहाँ पर उसके बाद क्लिक हियर टू साइन अप, क्लिक हियर टू लॉग इन, गेट बोपी एप्लीकेशन नंबर, बीएससी नर्सिंग सीट मैट्रिक्स, गेट एक्टिवेशन लिंक इफ़ अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल इज़ नॉट रिसीव्ड। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर जो आपको करना है, क्लिक हियर टू साइन अप, इस पे आपको क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। बोपी एप्लीकेशन नंबर लिखना है, बोपी मार्क्स, बोपी रोल नंबर, बोपी रैंक, इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। उसके बाद DOB, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद जीमेल ईमेल आईडी आपको यहां पर मेंशन करना है जो एक्टिव हुए। उसके बाद कंफर्म ईमेल करना है, मोबाइल नंबर अपना देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। उसके बाद वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, यस नो आप कर सकते हो। अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी है तो यस, अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन कोड आप जब यहां पर लिखोगे उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अभी मेरे पास किसी बच्चे का यहां पर एप्लीकेशन नंबर नहीं है या किसी बच्चे ने मुझको ये बोला नहीं है कि आप मेरा जो ये अकाउंट एक्टिवेट करो या मेरी प्रेफरेंस भरो, तो यहाँ पर मेरे पास किसी की डिटेल नहीं है तो मैं यहाँ पर एक्चुअली सब कुछ नहीं दिखा सकता हूँ। सो सबमिट पे क्लिक जब आप करोगे उसके बाद आपका प्रीव्यू पेज आ जाएगा। अगर आपने सभी डिटेल्स ठीक दी होगी तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हो, अगर आपका कुछ वहाँ पर गलत होगा तो आप एडिट भी कर सकते हो। तो फाइनल सबमिट करने के बाद वहाँ पर आपका यूज़र नेम जनरेट होगा और यूज़र नेम आपका CET रोल नंबर होगा। यूज़र नेम जनरेट होने के बाद आपको एक मेल भेजा जाएगा जेके बोपी की तरफ से। वहाँ पर उस मेल में एक लिंक होगी, उसको हम एक्टिवेशन लिंक कहते हैं, और वहाँ पर एक OTP आपको मिलेगा। एक्टिवेशन लिंक पे आपको क्लिक करना है। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो एक और पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको OTP देना है एंड नया पासवर्ड रखना है। सो यूज़र नेम आपका CET रोल नंबर है और वहाँ पर आपको पासवर्ड रखना है। जब आप पासवर्ड रखोगे वो आपका 8-letter पासवर्ड रखना है, वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी होना चाहे और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहे। उसके बाद आपको वापस इस वाले पेज पे आना है। उसके बाद क्लिक हियर टू लॉग इन, इस पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक हियर टू लॉग इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम देना है जो आपका सीटी का रोल नंबर होगा। उसके बाद पासवर्ड जो आप रखोगे, जब आपको एक्टिवेशन लिंक मिलेगी उस पर क्लिक करने के बाद आपको नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको OTP एक तो देना है, OTP आपको मिलेगा ईमेल में, ओके OTP एंड वहाँ पर आपको पासवर्ड रखना है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर मेंशन करना है। यूजर नेम आपका सीटी रोल नंबर होगा जो खुद ब खुद जनरेट होगा फाइनल सबमिट के बाद, जो अभी मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद पासवर्ड जो आप खुद रखोगे, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड, लॉग इन करोगे, लॉग इन करने के बाद वहाँ पर एक आप वहाँ पर आपकी डिटेल्स होंगी और एक टैब आपको वहाँ पर मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे क्लिक आप करोगे तो वहाँ पर आप प्रेफरेंसेस सबमिट करोगे तो वहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स भी दिखेगा, पर्सनल डिटेल्स भी दिखेंगी। तो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, सब्जेक्ट पे आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर प्रेफरेंसेस होंगी कॉलेजेस के लिए एंड कोर्सेज के लिए। तो कॉलेजेस सभी कॉलेजेस होंगे, जिस कॉलेज आपको पहले नंबर पर रखना उसको पहले क्लिक करना, उसके बाद दूसरी तीसरी जो भी आपको फेवरेट कॉलेज होगा सबसे पहले जो आपको रखना होगा, लाइक सिक्किम GMC, श्रीनगर GMC, जम्मू GMC, अनंतनाग GMC, बारामूला और जो पी सईद मुतकवी हैं, अलमदार कॉलेज हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इब्न सिना, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो आपको सीट मैट्रिक्स में मिलेंगे। जो भी आपकी चॉइसेस होंगी, जो आपके फेवरेट कॉलेजेस होंगे वो सबसे पहले रखना। फिर कोर्सेज की भी प्रेफरेंस देना, जो आपको कोर्सेज रखने होंगे सबसे पहले, लाइक BSc नर्सिंग, उसके बाद BSc रेडियोलॉजी, BSc MLT, BSc OTT, BSc रेडियोग्राफी, जो भी कोर्सेज हैं वो उनकी भी प्रेफरेंस देना। तो आप प्रीव्यू प्रेफरेंसेस कर सकते हो, प्रीव्यू आप कर सकते हो कि हमने कौन सी प्रेफरेंस दी। तो अभी लॉक नहीं करना, पहले देखना आपने प्रेफरेंस क्या क्या दी है, अच्छे से प्रेफरेंस देना कोर्सेज के लिए भी, कॉलेजेस के लिए, उसके बाद फाइनल लॉक करना। जब आप लॉक करोगे फिर आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। सो लॉक करने से पहले आप प्रेफरेंस डिलीट भी कर सकते हो, नई प्रेफरेंस लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन जो जब आप लॉक करोगे, लॉक करने के बाद आप कोई चेंज नहीं करोगे। सो जब आप लॉक करोगे अच्छी तरीके से पहले प्रेफरेंसेस देना, लॉक करने के बाद आपको जो काउंसलिंग फ़ी है वो सबमिट करना है। तो आपने प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ तक भरा है, फिर सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ होगा। सिलेक्शन लिस्ट में अगर नाम आपका होगा वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपको कौन सा कोर्स एंड कौन सा कॉलेज मिला है, फिर आपको उस कॉलेज में जाना है और एडमिशन करना है। फिर अगर कुछ बच्चे एडमिशन नहीं करेंगे फिर सेकंड राउंड होगा एंड देन थर्ड राउंड। सो यही कुछ प्रोसेस है, आप घर बैठे ही कर सकते हो, अपने फ़ोन पे आप कर सकते हो, या अगर आपके पास डेस्कटॉप है आप कर सकते हो, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। बस ये कुछ 2-3 सेटअप्स हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। और यहाँ पर आप सीट मैट्रिक्स भी पहले चेक करना, उसके बाद प्रेफरेंसेस लॉक करना, सीट मैट्रिक्स आप डिटेलर देखना सीट मैट्रिक्स, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं, बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं। तो इस पे आपको चैनल पे वीडियोस भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद प्रेफरेंसेस लॉक करना। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपका एप्लीकेशन नंबर आप भूल चुके हो तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हो, लेकिन जो ये वाला ऑप्शन नंबर 4 है इस पर आपको क्लिक करना है, ओके। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, फादर सेम, DOB, वेरिफिकेशन कोड। तो ये सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा, ओके। सबसे पहले साइन अप, उसके बाद लॉग इन। अगर आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। जो 5th ऑप्शन है यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैंने साइन अप किया है, उस पर फाइनल सबमिट किया है, मेरा जो यूज़र नेम है वो जनरेट हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक मेल नहीं आया है। तो अगर आपको मेल नहीं आया है सबमिट करने के बाद, फाइनल सबमिट करने के बाद, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 पे आप क्लिक कर सकते हो, गेट एक्टिवेशन लिंक इफ़ अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल इज़ नॉट रिसीव्ड। अगर आपको ईमेल नहीं मिला है, आपने ईमेल रिसीव नहीं किया है, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूज़र नेम देना है जो आपका सीटी रोल नंबर होगा और वेरिफिकेशन कोड मेंशन करना है, तो यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो। सो यही कुछ प्रोसेस है जो आपको करनी है। इसमें आधा घंटा से भी कम लग सकता है, 15 मिनट अगर आपको ये अच्छी तरीके से आता है तो 15 मिनट में सब काम हो जाएगा। इवन 10 मिनट में भी हो सकता है, सभी प्रेफरेंस लॉक करना, फी सबमिशन, सब कुछ साइन अप, इसमें 5-10 मिनट लगते हैं और कुछ नहीं। तो यही आपका फर्स्ट राउंड है ऑनलाइन काउंसलिंग का, जो आपका ये फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग है फॉर BSc नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज़।